तो गाइस ये तो हम सभी जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपना आयरन मैन का आर्मर उतार के रख देंगे। साल 2008 से पहले आयरन मैन मार्वल के सुपर हीरो ए लिस्ट में नहीं था और आयरन मैन को फेमस करने के लिए सिर्फ आरडीजे को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, लेकिन एवेंजर्स 4 के बाद सब बदल जाएगा। मार्वल स्टूडियोज रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवेंस के जाने के बाद शायद वैसा ना रहे और यही कैरेक्टर अपने आइकॉनिक के साथ एक स्पेशल स्टोरी हमको लाके दिखाते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर 8 फिल्मों में दिख चुके हैं और अब वो हमें दिखेंगे एवेंजर्स एंड गेम में। आज हर सुपर हीरो फैन आयरन मैन को जरूर जानता है। 1963 में कॉमिक्स में पहली बार दिखने के बाद आयरन मैन कॉमिक्स में दिखने वाले सबसे इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर में से एक हुआ करता था, लेकिन वहीं पे आयरन मैन के कुछ स्टोरी भी हैं जहां पर हम टोनी स्टार्क को और भी बेहतर बनते हुए देख सकते हैं और आज हम ऐसी कुछ स्टोरी लाइन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें से ही एक है द डायरेक्टर ऑफ शील्ड। हम शुरुआत से ही निक फ्यूरी को डायरेक्टर ऑफ शील्ड देखते आए हैं, लेकिन क्या हो अगर हम आयरन मैन को शील्ड का डायरेक्टर देखें। लेकिन एक स्टोरी लाइन ऐसी है जहां पर टोनी स्टार्क डायरेक्टर ऑफ शील्ड बन जाता है और सिविल वॉर इवेंट के बाद वो शील्ड का डायरेक्टर बन जाता है और शील्ड डायरेक्टर बनते ही वो सब करता है जो वो पहले करना चाहता था और यहाँ वो अपना कॉर्पोरेट कल्चर फिट करता है। लेकिन ये स्टोरी लाइन पॉलिटिक बेस्ड थी, ऐसे ही हमें कुछ दिखता है एवेंजर्स में जहाँ पर टोनी शील्ड के लैब में घुसते ही ऐसी कुछ हरकत करता है जहाँ पर सबको लगता है कि वही शील्ड का डायरेक्टर हो। डूम क्वेस्ट। शायद डिज्नी फॉक्स की डील तब खत्म होगी जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन का रोल छोड़ चुके होंगे, क्योंकि हम सब फैंस डॉक्टर डूम और आयरन मैन को आपस में लड़ते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी लंबी है। लेकिन इन दोनों का बेस्ट इनकाउंटर दिखा डूम क्वेस्ट में जहां आयरन मैन डॉक्टर डूम के साथ टाइम में पीछे चला जाता है, वो भी किंग आर्थर के एरा में, और तब आयरन मैन साथ देता है किंग आर्थर के क्वेस्ट का डूम और मॉर्गन लिफ के खिलाफ जंग में और इस स्टोरी ने काफी अच्छा पोटेंशियल होल्ड किया था। चलिए अपनी नेक्स्ट स्टोरी लाइन पे चलते हैं जो कि है सिविल वॉर द कन्फेशन। अगर आपने सिविल वॉर कन्फेशन पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि हमने जो सिविल वॉर मूवी में देखा वो इसके आगे कुछ भी नहीं था। यहाँ आयरन मैन थोड़ा जिद्दी हो जाता है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को एक लॉ बना के सुपर हीरोज का काम मुश्किल कर देता है, लेकिन मामला वहाँ बिगड़ जाता है क्योंकि इस सीरीज के बाद कैप्टन की डेथ हो जाती है और तभी आयरन मैन अपने मरे हुए दोस्त की डेड बॉडी के सामने बैठ के अपने दिल की सभी बात बोलने लगता है और यहाँ पे ये मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि ये मोमेंट कभी भी हमें मूवी में देखने को मिले। तो अब चलते हैं अपने आगे के स्टोरी लाइन पे जो कि डीमोन इन अ बैटल। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने आयरन मैन को नशे में तो देखा ही है और टोनी अल्कोहल का शिकार हो जाए ये शायद ही कोई फैन इमेजिन कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ था। डीमोन इन अ बॉटल स्टोरी लाइन में टोनी स्टार्क खुद को ही मारने लगता है और यही वो स्टोरी लाइन है जहाँ पर शील्ड भी टोनी स्टार्क को धमकी देती है। लेकिन यहाँ हम टोनी स्टार्क को एक जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो अपने टेम्परेरी डिजायर की वजह से सब कुछ खो देता है, लेकिन फिर आगे जाके स्टोरी बदलती है और हम उसको वैसे ही टोनी स्टार्क देखते हैं जैसा कि हम आगे मूवी में देख चुके हैं। फिर देखते हैं आगे इसकी स्टोरी लाइन द टेल्स ऑफ द सस्पेंस। मूवीज की तरह कॉमिक्स में भी आयरन मैन के कुछ खास दुश्मन नहीं रहे, चाहे हम बात करें कंट्रोलर, मेडिटर, वेब ब्लैक या फिर अल्टीमो की, ये सब इन सभी में से कोई भी हमारा मेजर थ्रेट आयरन मैन के लिए नहीं रहा है और ये हमें नाम फिर से सुनाई दिया मार्वल शॉट ऑल लिव द किंग में। लेकिन आरडीजे के चले जाने के बाद अब मैंडरिन से कौन निपटेगा और मैंडरिन के 10 रिंग्स एक टाइम पे इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सब मूवी में होना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये कुछ ही स्टोरी है जो हम कवर कर पाए और कॉमिक्स में ऐसी कई ज्यादा स्टोरी लाइन है जो इनसे भी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है और वो कॉमिक लाइन्स हैं सिविल वॉर 2, आर्मर वॉर्स, डिलीवरेंस, वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड और द आयरन एज। मूवीज में कम टाइम होने की वजह से हमें सारी स्टोरी लाइन्स दिखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन तब भी एंड गेम को ये रूमर सामने आ रहे हैं कि वो 3 घंटे से भी ज्यादा बड़ी है, लेकिन मूवी देखते देखते ये 3 घंटे कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो गाइस ये थी आयरन मैन 4 की कुछ स्टोरी लाइन्स। आप इन वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप देख रहे हैं मिस्टर फ्लेम और मैं अनुभव।